के सबसे बड़े लोकतंत्र वाली सरकार में जब पिता वित्त मंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों और विदेश मंत्री रहे हों, तो बेटे के कंधों को उसकी जिम्मेदारी समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सत्ता के साथ साथ सम्मान की भी होती है। आज मानवेंद्र सिंह जब झालरा पाटन के मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो उनको पिता जसवंत सिंह की उस साख की याद आ जाती होगी जब उनके सामने विपक्ष थर थर कांपता था। इस सीट से मानवेंद्र सिंह का सीधा मुकाबला इस बार प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से है, उस वसुंधरा से जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है, उस वसुंधरा से जिसके लिए झालरा पाटन सीट अपनी जमीन से पढ़कर है, उस वसुंधरा से जो पिछले 15 सालों से इसी सीट से विधायक है, उस वसुंधरा राजे से जिसकी झोली में साल 2013 में 63% वोट खाते में आए थे। इस वोट प्रतिशत से तो समझ ही गया होंगे कि वसुंधरा मानवेंद्र के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। बात अगर इतिहास की करें तो वसुंधरा राजे आज मुख्यमंत्री पद पर तैनात हैं, तो इसके पीछे जसवंत सिंह का ही हाथ है, और जब वो भाजपा में हुआ करते थे। राजस्थान की धरती की राजनीति पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जसवंत सिंह का ही हाथ है वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाने का। अगर इतिहास को पलट कर देखा जाए तो जसवंत ही थे जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी जैसे दिग्गजों के ऐतराज के बावजूद वसुंधरा को आगे किया, उन्हें सीएम की गद्दी पर बिठाया। कहते हैं ना, भविष्य किसे पता था कि मुख्यमंत्री पद पर तैनात होने के बाद वही वसुंधरा राजे यशवंत सिंह के बीच तलखी ऐसी हो जाएगी कि राजनीति के दोस्त एक दिन बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे। और इसी पर मानवेंद्र सिंह ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि एक भूल कमल का, और इस एक लाइन के साथ रक्त में मिली भाजपा और मज्जाएं बसी भाजपा छूट गई। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।